छात्रों गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ स्टूडेंट सी महेश पब्लिक स्कूल डेलेट संस्थान मुंशीगंज मेठी, द्वितीय सेमेस्टर सत्र 2019-21 विषय गणित। छात्रों आज हम लोग गणित में त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हमारा टॉपिक है त्रिभुज। सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी है। त्रिभुज ए बी सी है। त्रिभुज की परिभाषा होती है कि ऐसी आकृति जो तीन रेखाखंडों से घिरी हुई होती है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा ए सी है। यहाँ पर कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है, यानी तीन भुजा है और तीन कोण है। लेकिन हम एक कोण को तीन तरह से उसको हम लिख सकते हैं या तीन तरह से हम बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोण हमारा है, यदि कोण बी है इसको हम लिखेंगे, बोल सकते हैं कोण ए बी सी या कोण सी डी ए या कोण बी, यानी कोण ए बी सी या कोण सी डी ए या कोण बी। इसी तरह हम लोग कोण ए को बोल सकते हैं कोण बी ए सी या कोण सी ए बी या कोण ए। कोण सी को इसी तरह बोल सकते हैं कोण ए सी डी या बी सी ए या कोण सी। एक कोण को हम तीन तरह से लिख सकते हैं और तीन तरह से बोल सकते हैं। तो यह कन्फर्म हुआ कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। भुजा हमने बताया ए बी बी सी सी ए और कोण ए कोण बी कोण सी, कोण ए कोण बी और कोण सी को हम तीन तरह से व्यक्त कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं त्रिभुज का परिमाप। यदि हमको त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज का परिमाप का मतलब आप समझ रहे हैं, परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की माप। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं तो हम तीनों भुजाओं की जो माप है उसका हम योग कर लेंगे तब त्रिभुज का परिमाप हम निकाल लेंगे। इसलिए इसका सूत्र है तीनों भुजाओं का योग, यानी भुजा ए बी धन भुजा बी सी धन भुजा ए सी या सी ए। इस प्रकार हम त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। यानी त्रिभुज में तीन कोण जब भी हमने आपको बताया उन तीनों कोणों वो यानी त्रिभुज की जो तीन कोण है अंतःकोण यानी अंदर के कोण, क्योंकि कोई भी आकृति है त्रिभुज है चतुर्भुज है उसके अंदर के कोण होंगे बाह्य कोण होंगे, तो यहाँ सबसे पहले हम अंतःकोण की बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब यह त्रिभुज की प्रकृति पर डिसाइड है, यदि समबाह त्रिभुज है तो तीनों कोण बराबर होंगे 60-60 अंश के होंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए समबाह त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो 60 कोण ए बराबर 60 अंश, बी बराबर 60 अंश और सी बराबर 60 अंश हो जाएगा। अगर समबाह त्रिभुज है तो 60 अंश और 60। यदि समकोण त्रिभुज है
तो उसका एक कोण 90 का होगा और दो अन्य कोण 45-45 अंश के होंगे, यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश हुआ। उसके बाद आगे हम देखते हैं, हमने बताया त्रिभुज के अंतः कोण यानी कोण ए बी सी अंतः कोण है, कोई भी आकृत है उसके बाह्य कोण भी होते हैं। यहाँ पर त्रिभुज के जो बहिष्कोण हैं उनका योग 360 अंश होगा। यहाँ पर एक त्रिभुज है ए बी सी, बाह्य इसके अंतः कोण ए है बी है, अंतः कोण ए बी सी है और बाह्य कोण यक्स कोण यक्स कोण वाई और कोण जेड है। तो त्रिभुज के जो तीनों बहिष्कोण होते हैं उसका योग 360 अंश होता है। अब ये कैसे होता है इसको हम समझ लेते हैं। हम लोगों ने कोण के बारे में पढ़ा है, न्यून कोण समकोण त्रिभुज अधिक न्यून कोण समकोण अधिक कोण सरल कोण जिसको हम रिज कोण भी कहते हैं। तो एक जो सीधी रेखा होती है उस पर 180 अंश का कोण बनता है, सीधी रेखा है तो 180 अंश का कोण बनता है। यहाँ पर अगर इसको हम एक सीधी रेखा मान लेंगे, इसको हम सीधी रेखा मान लेंगे तो अगर ये अंदर का 60 अंश है तो 180 अंश का कोण बन रहा है तो ये स्वाभाविक है कि 120 अंश का हो जाएगा। इसी तरह यदि सब में है, अगर ये 60 का है तो 120 अंश का है, मान लीजिए ये 60 का नहीं है ये 80 का है तो बाहर का 100 का हो जाएगा। इस तरह यदि त्रिभुज के तीनों बहिष्कोण है उसका योग 360 होता है। इसको हम फिर समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कोण ए बराबर कितना है, कोण ए बराबर है 60 अंश तो कोण यक्स बराबर हो जाएगा 120 अंश, क्योंकि एक सीधी जो रेखा होती है उस पर 180 अंश का कोण बनता है, इसको हम सरल कोण कहते हैं। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों बहिष्कोण का योग जो है 360 अंश होगा। मान लीजिए ये कोण बी है, अगर ये कोण बी 70 का है तो निश्चित है एक सीधी रेखा आ रही है तो 70 और 110 यानी ये बाह्य कोण आपका है 110 अंश का हो जाएगा। अब इसी तरह यानी कि तो बहिष्कोण जो है अगर 60-60 का है अंतः कोण तो सब जो है 120-120 अंश के बहिष्कोण हो जाएंगे और जिसका योग 360 हो जाएगा। लेकिन यहाँ मान लीजिए यहाँ पर 70 है 110 हो गया ये। इस तरह यानी कोण घटेंगे बढ़ेंगे परंतु तीनों का योग जो है 360 अंश होगा। इस प्रकार त्रिभुज के बारे में हम लोग आज यहाँ तक समझे हैं। फिर इसके बाद आगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे और त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, भुजा के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, इसको हम लोग अगले टर्म में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में जाना, उसमें कितनी भुजाएं हैं, क्या कोण हैं, कोण को हम किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे, उसका अंतः कोण का योग कितना होगा, उसके बहिष्कोण का योग कितना होगा। तो आज बस इतना ही, इसके बाद अगले टर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।